आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम ओरियो आइसक्रीम और बिना गैस जलाए बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे। और ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। अगर आपको पसंद है ओरियो बिस्किट तो आपको बहुत पसंद आने वाली है आइसक्रीम। हमने ओरियो के केक तो बहुत खाए हैं, आज हम बनाएंगे ओरियो की आइसक्रीम। और मेरा मोस्ट फेवरेट है ओरियो। ओरियो से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा एक वीडियो ओरियो वाला जो काफ़ी हद तक वायरल हो गया था, 3 लाख व्यू आए थे उसके ऊपर। तो मुझे पसंद है ओरियो बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर 30 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट लिया है और इसे मैं अपना ना एक डालूँगी पॉलीथीन बैग में और इसमें हम इसे डाल देंगे और इसे हम क्रश करेंगे, जिससे इसका जो फ्लेवर आएगा ना आइसक्रीम में वो बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया पॉलीथीन बैग में और इसे मैं क्रश कर रही हूँ। थोड़ा हल्का दरदरापन रहेगा इस बिस्किट में तो आइसक्रीम में थोड़ा क्रंचीपन आएगा इसका। तो मैंने इसे क्रश कर लिया और इसे आप लग देंगे हम प्लेट में और इसे आप रखेंगे हम साइड में। ये देखिए इसके क्रश हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है और इसे हम स्टिक पिक आने तक अच्छे से बीट कर लेंगे। और इस व्हिपिंग क्रीम में पहले से ही वनीला फ्लेवर एसेंस ऐड है और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे हम। इसे मैंने बीटर मशीन से अच्छे से बीट कर लिया। बीट करने से इसका जो वॉल्यूम एकदम डबल हो जाता है। और ये देखिए अच्छे से स्टिक पिक आ गए हैं इसमें, इट मीन्स अच्छे से व्हिपिंग क्रीम बीट हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम कंडेंस मिल्क। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है कंडेंस मिल्क, ये डाल देंगे इसमें आधा कप। इससे जो आइसक्रीम है वो एकदम क्रीमी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी आइसक्रीम। बिना गैस जलाई से बना रहे आइसक्रीम को तो ये तरीका बनाना बहुत आसान है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए एक बार और अच्छे से बीट कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया 2 मिनट के लिए और ये देखिए कितनी सिल्की स्मूथ क्रीम हो गई ये वाली। अब इसमें डालेंगे हम ओरियो, ये क्रश वाले डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल जेंटली हल्के हाथों से इसे हम फोल्ड करेंगे ताकि जो इसमें एक फ्लेवर आएगा ना बिस्किट का बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम किसी भी मोल्ड में डाल देंगे और ये बहुत ही क्रीमी और सिल्की लगती है आइसक्रीम। इसे लेवल कर लेंगे हम, एक दो बार टैप कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ना ओरियो के ऐसे बिस्किट के डाल रही हूँ ट्रायंगल शेप में, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो इसे मैंने रख दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ फॉइल पेपर ताकि बर्फ़ वगैरह नहीं गिरेगी इसमें। अब मैंने इसे फ्रीज़र किया ओवरनाइट के लिए और ये देखिए आइसक्रीम बहुत अच्छे सेट हो गई है और दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी है। और ये देखिए फॉइल पेपर लगाने से इसमें ना आइस क्रिस्टल नहीं बनते और इसे अब निकालेंगे हम। तो ये देखिए बहुत ही क्रीमी और सिल्की बनी है और ये जंग दिखते हैं इसमें बिस्किट्स के, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छी लगती है आइसक्रीम ये वाली। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर स्वाति आर्या, यूट्यूब मेरी आईडी है। तो ये देखिए सारी जो आइसक्रीम निकल गई है अच्छे से लग रही है इसमें। इसके ऊपर मैं थोड़े से ओरियो के बिस्किट और डाल रही हूँ टुकड़े ऐसे, और इसे और भी ज़्यादा हम यम्मी बनाएंगे तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हर्षी शिरप। तो ये और भी अच्छा लगेगा, अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं ये। और ये देखिए बहुत ही अच्छी लगी आइसक्रीम ये वाली और ये देखिए कितनी स्मूथ सिल्की क्रीमी बनी है आइसक्रीम। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वॉच माई वीडियो।